हाईटेक स्कूलों का हवाला देने वाली दिल्ली सरकार के फतेहपुर बेरी स्कूल के अंदर एक छात्र के ऊपर पंखा गिर गया। जी हाँ, फतेहपुर स्थित सर्वोदय विद्यालय, जो दिखा रहे हैं हम सर्वोदय बाल विद्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जब छात्र पढ़ाई कर रहा था तभी उसके सर के ऊपर पंखा गिर गया। जी हाँ, पंखा गिरने की वजह से उसको चोट आई। हालांकि राहत की बात ये रही कि उसको मामूली चोट आई, लेकिन सवाल उठता है जिस तरीके से हाईटेक स्कूल का हवाला देती है दिल्ली सरकार। और जी हाँ, दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल हर स्टेट में जाकर दिल्ली के मॉडल स्कूल का गुणगान करते हैं, वहीं इस स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देखिए छात्र के ऊपर पंखा गिर गया। इसके बाद पंखा गिरने की जो शिकायत है दिल्ली पुलिस को भी दी गई, साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी जो बच्चे के पिता हैं उन्होंने दी, जिसके बाद खुद उनकी शिकायत को जो है यहाँ पर स्वीकार भी किया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से उनको मेल भी आया, लेकिन इस हादसे के बाद स्कूल में पढ़ने वाले और बच्चे भी जो हैं वो डरे हुए हैं। मेरा नाम आनंद है और मैं 12वीं का छात्र हूँ। आज सुबह जब मैं अपनी कक्षा में पढ़ रहा था तो सुबह अचानक से पंखा टूटा और मेरे सिर पर गिर गया। आपको चोट भी लगी है? जी सर, मेरे को यहाँ पर चोट भी लगी है और इसमें बहुत दर्द भी हो रहा है। और अध्यापक को मैं कॉल लगा रहा था परंतु वह उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश नहीं करी? प्रिंसिपल स्कूल में अवेलेबल नहीं थे। प्रिंसिपल थे ही नहीं स्कूल में? नहीं। मेरा बेटा आनंद इस फतेहपुर बेरी के सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ता है। यहाँ पर सुबह आज 8:30 बजे जब ये क्लास में पढ़ रहा था उस समय स्कूल में जो पंखा लगा हुआ था वो इसके आके सर पर गिर गया। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं लंदन बनाऊंगा दिल्ली को, लंदन जैसी शिक्षा दूंगा। क्या लंदन में मुझे तो लगता है ऐसे पंखे ही गिरते होंगे, तो ये तो मुझे लंदन वाले स्कूल नहीं चाहिए। मैं केजरीवाल जी से अनुरोध करना चाहूँगा क्योंकि बच्चों को शिक्षा मत दो लेकिन बच्चों को सुरक्षित तो रहने दो। ऐसे बच्चों की क्या आप जान लोगे जो कि ये पंखे बच्चों के ऊपर गिरते हैं? और अभी मैंने 4 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे की घटना है। मैंने अभी प्रिंसिपल को जब कॉल किया प्रिंसिपल कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है। क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को भी नहीं बताया। पंखा टूटा हुआ है स्कूल के अंदर पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता कि बच्चे के साथ क्या घटना हुई है। बच्चा के जब दर्द हो रहा था मैं भी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, तो मैंने कहा स्कूल में एक बार चलते हैं, स्कूल वालों को पूछते हैं कि ऐसी लापरवाही क्यों है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ ऐसी लापरवाही ना करें। केजरीवाल से मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करें। प्रिंसिपल को पता ही नहीं कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। और ये सर्वोदय बाल विद्यालय फतेहपुर बेरी में है, साउथ दिल्ली में पड़ता है। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर टीचर होते ही नहीं है। यहाँ पर बहुत लापरवाही के साथ बच्चे रहते हैं। बच्चे यहाँ पर राम भरोसे पर हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है।